चंपावत जनपद के लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के कांस्टेबल मदन नाथ और क्षेत्र के कुछ लोगों के बीच सड़क में जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वहां पर खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में वीडियो में दिख रहे कांस्टेबल मदन नाथ का कहना है कि वह संबंध तामील कराने के लिए धुनाघाट जा रहे थे। पोखरी के पास सड़क किनारे तीन लोग शराब पी रहे थे, जिनके द्वारा उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज और मारपीट करी गई तथा उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। मारपीट में उन्हें चोट लगी है तथा अपने बचाव में उन्हें भी मारपीट करनी पड़ी, जिसकी इन लोगों के द्वारा वीडियो बना ली गई है। वहीं वीडियो बना रहे लोग पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम के द्वारा मारपीट के आरोपी स्वरूप निवासी पोखरी अशोक मेहरा निवासी तयारसो को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। वहीं चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की पूरी जांच चंपावत सीओ के द्वारा कराई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों व पुलिसकर्मी का उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में मेडिकल करवाया है। घटना की सत्यता पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। वहीं चंपावत के पुलिस सीओ द्वारा मामले की जाँच जारी है। मैं क्या कहते हैं खेती खान संबंध कामिल में गया था, तो मैं पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहां पर होटल पे दारू पी रहे थे। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मेरे को। ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, भाई तू इधर नहीं आएगा। एक ये थे, एक अशोक है, ये क्या कहते हैं 1100 का, इसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना और मेरे साथ हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मारना मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें फंसाएंगे कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। और उसके बाद ये दो तीन लोग थे, इन्होंने मारा मुझे। अब मैं थोड़ा बहुत पुलिस में होने की वजह से अपना बचाव तो कर ही लिया मैंने, पर ये एक व्यक्ति भाग लिया। दो लोग तो ये, फिर मैंने थाने में फ़ोन किया, फिर ये 112 आई, उसके बाद फिर इनको हम लेके आए। अभी सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि ये वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहाँ मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसके संबंध में अनावश्यक रूप से गलत किसी तरह की बातें का प्रचार न किया जाए। धन्यवाद।